सत श्री अकाल जी का खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एतवार के एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज अंग्रेजी नवे साल के पहले महीने जनवरी का पहला दिन है। इस दरम्यान कई लोग जिथे नवे साल के जशनों के डुबे रहे, कई अपने तो विछड़िया भी याद करते रहे। मूसे वाले के मापिया वांगू बथेरिया मावां ने लंघे साल देशों विदेशों के गुआचे अपने पुत्रां धियां की याद में हंझू केरे ते होर भी बहुत सारे लोगों ने अपने विछड़िया की याद दे विच अथरू केरे ते बहुतिया ने अपनी कामयाबी का जश्न भी मनाया। हालांकि 1 जनवरी में भी बहुत सारिया जड़ियां खबरां उदास करने वाली आईयां जिन्होंने कई लोगों के नवे साल के दिन फिक्का कर दिता। खबरों की शुरुआत तो पहला सिख कौम के महान कथावाचक गियानी पिंदरपाल सिंह का एक सुनेहा सुना देने। गियानी जी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है, 12 माह ना भुलियो, नवा साल मुबारक सज्जणों, ना रंग कसूंबड़े डुलियो, ईस्वी सन याद तुहानू पर 12 माह ना भुलियो, चेते वैसाख जेठ हाड़ भला, सौण भाद्रों अस्सू कत्ते, मगर पो माघ फग्गण हछे, जे बीतण नाम विचरते। ते धर्मी पुरुष ने जिहड़े ओ जीवन दा असल मनोरथ नाम कमाउण नूं ही दसदे ने ते मनदे ने। खबरां दे विच हुण तुहानू दसदे आ कि 1 जनवरी दे दिन पंजाब च की कुछ खास होया। इस दिन दी सब तों वड्डी ते मनभागी खबर बेअदबी वाली सुणाउणी पै रही है, जदों एक मुलजम सरब सांझीवालता दे मुकद्दस अस्थान सचखंड श्री हरमंदिर साहिब दे अंदर घटिया मानसिकता दे नाल दाखल होया, पर सेवादारां ने उसकी घटिया हरकत नाकाम कर दित्ती ते हरमंदर साहिब विच दाखल होए इसे व्यक्ति नूं काबू कर लिया। मुलजम दी पछाण कानपुर दे रहण वाले सुमित वजों होई है। फिलहाल इसनूं पुलिस दे हवाले कर दित्ता गया। यह घटना शनिचरवार ते ऐतवार दी दरमियानी रात नूं वापरी, जदों अद्धी रात 12 बजे के करीब 1.5 लाख श्रद्धालु नवे साल मौके श्री हरमंदर साहिब विखे मत्था टेकण लई पहुंचे होए सन ते मुलजम नौजवान वध संगत दा फायदा चुक के श्री हरमंदर साहिब कंपलैक्स दे विच दाखल होण दी कोशिश कर रहा सी। इस नूं रोकण दी कोशिश कीती पर वार-वार अंदर जाण दी जिद करता रहा। जदों मौके ते मौजूद सेवादारां नूं इस ते शक होया तां इस नूं काबू कीता गया। सेवादारां ने दस्सिया कि हरमंदर साहिब अंदर दाखल होण वेले इस दा वतीरा शक्की सी। जदों इहनूं रोक के तलाशी लई गई तां इस दी जैकेट दी जेब चों 1/4 शराब दी शीशी मिली। सेवादारां ने इसकी सूचना पुलिस नूं दित्ती ते जिस समय दोषी नूं फड़िया गया उसने उस वक्त भी शराब पीती हुई सी। फिलहाल पुलिस ने सुमित नूं हिरासत विच लैके जांच शुरू कर दित्ती है। हालांकि बहुते सिखां नूं इंसाफ दी कोई बहुती उम्मीद नहीं है। 1 जनवरी दे दिन लोकां ते महंगाई दी गाज भी डिगी। तड़के तड़के फिर लोकां नूं तकड़ा झटका दित्ता गया ते इह झटका हर व्यापारी बंदे नूं लग्गिआ, क्योंकि दिल्ली समेत देश भर दे विच वपारिक LPG सिलेंडर दी कीमत विच 25 रुपये का वाधा कर दित्ता गया। हुण दिल्ली दे विच वपारिक LPG दी कीमत 1769 रुपये हो गई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर दी कीमत विच कोई वाधा नहीं किया गया। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की 1 तारीख नूं गैस के भाव बदल दिंदियां ने। कई वारी ये सस्ते भी हो जाते हैं पर आम तौर पर महंगे होंदे ने। 1 जनवरी नूं कौमी राजधानी दिल्ली दे विच सवेरे भूचाल के झटके भी महसूस किए गए। नैशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूचाल की तीव्रता 3.8 मापी गई। ये झटके सवेरे 1:19 पर महसूस किए गए। इस तों पहला 12 नवंबर नूं भी कौमी राजधानी दिल्ली दे विच भूचाल के झटके लगे सन। नवे साल मौके पंजाब के मुख्य मंत्री समेत सारियां पार्टियां दे लीडरां ने लोकां नूं नवे साल दीयां शुभ कामनावां दित्तीआं। पंजाब दे मुख्य मंत्री भगवंत मान इस दिन अपने जिला संगरूर दे भवानीगढ़ ब्लॉक दे विच वख-वख थावां ते पहुंचे ते लोकां नूं मिल के नवे साल दीयां वधाईयां दित्तीआं। मुख्य मंत्री दा काफला तड़के संगरूर जिले दी हदूद अंदर पिंड चन्नो विखे दाखल होया तां हलका विधायक नरिंदर कौर भरास दी अगवाई हेठ पार्टी वर्करां ने CM दा निघा स्वागत कीता। इस तों बाद मुख्य मंत्री अनाज मंडी भवानीगढ़ ते फिर पिंड घराचो रुके ते लोकां नूं मिलदे होए गए। मुख्य मंत्री ने इस दिन अपने परिवार समेत गुरुद्वारा सिंह शहीदां सोहाणा साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली विखे मत्था भी टेकिया अते सूबे की शांति सद्भावना तरक्की अते लोकां दी खुशहाली दी अरदास कीती। लोकां नूं नवे साल दी विधाई दिंदे सूबे दे सरपक्खी विकास ते खुशहाली नूं यकीनी बनाउण दे लई जोश नाल काम करन दा सद्दा भी मुख मंत्री ने दित्ता। नवे साल दीयां तुहानूं फेर इक वारी बहुत-बहुत मुबारकां और नवे साल च परमात्मा करे सानूं इहो जिहियां दिक्कतां ना आउण, परमात्मा इन्हां नूं भी समत बख्शे। श्रोमणी अकाली दल ते कांग्रेस पार्टी दे लीडरां ने भी सारिआं नूं नवे साल दीआं वधाईयां भेजीआं। भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वधाईयां दिंदिआं कहा कि नवां साल 2023 सब दे लई खुशियां भरिआ होवे, हरेक खेतर दे विच सारिआं नूं सफलता मिले ते सारिआं दी तंदरुस्ती दी कामना भी प्रधानमंत्री ने कीती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सारिआं नूं नवे साल दीआं वधाईयां दिंदिआं कहा कि सारिआं नूं नवां साल मुबारक। मैं विदेशां विच रह रहे सारे साथी नागरिकां ते भारतीयां नूं दिलों शुभ कामनावां दिंदी आं। साल 2023 साडे जीवन दे विच नवीआं प्रेरणावां, ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ लेके आवे। आओ असी राष्ट्र की एकता, अखंडता के विकास लिए अपने आप को समर्पित करने का संकल्प करिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि उम्मीद है 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। पिता बलकौर सिंह इस वक्त इंग्लैंड के दौरे ते हन। माता चरण कौर ने अपने पुत्त दे प्रशंसकां नूं नवे साल दीयां वधाईयां भी दित्तियां ते कहा कि साडे घर भावें हनेरा हो गया पर सारिआं नूं नवा साल मुबारक होवे। दुखी मां ने कहा कि लंघिया साल साडे लई डूंघा सदमा छड्ड गया। बीते साल दीयां कौड़ियां यादां सांझियां करदे होए मां ने इंसाफ मिलण 'च हो रही देरी कारण निराशा जाहिर कीती ते कहा कि उन्हां सिद्धू मूसेवाले दी कतल दे मामले दे विच कुछ मुलजमां दे नाम पुलिस ते सूबा सरकार नूं सौंपे सन पर पंजाब सरकार ने हाले तक न्याय नहीं दित्ता। ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਵਕ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੋੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਤਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। दुखी मां ने यह भी कह दिता कि हुण सरकारां ते प्रशासन तो इंसाफ की सानू कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए हुण परमात्मा ही इंसाफ करूगा। जिहड़ा असी आखिरी सांह तक साडे नाल ही रड़कूगा, सानू याद रहूगा, तीन भुल सकदे। पर जिवें कल मानसा दे विच रिपोर्टर बाई पुछ रहा सी ते सारी मानसा ने जानी शुभदीप दी घाट महसूस की। सारे बस इहो गल कह रहे सी भी 2022 ने साडा बाई साथों खोलिया। मन नूं सुकून मिलता है। 7 महीने हो गए सानूं उही कुछ कही रहा नूं भी सानूं इंसाफ दे दो, इंसाफ दे दो। कोई इंसाफ की गल नहीं हो रही। असीं ना भी लैके थक गए, की करांगे ना लैके, ना भी बाई नेम ना लैते, रिटन विच भी देता ते उन्हां ते कोई दो शब्द भी नहीं सरकार वल्लों बोले गए। अंदरों तो बथेरी चीज सुटदी है भी बोलीए। सवेरे 3 बजे अख खुल जाती है, रात को गोली लैके सौ जाने, सवेरे 3 बजे अख खुलती है तो फिर उस झेड़े या लोकां नाल जिहड़ा दरिंदियां ने इन्ना कुछ कीता, साडा घर उजाड़ के रख दिता। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਨੀ ਆ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ भी यह मरन भी ना, इन्हों यह जी सजा मिले जो कोई इन्हों हर टाइम चेते आ भी हाँ असी कोई रब दे बंदे नाल इदां दा कुछ कीता। कई लोगों के लिए भावें नवा साल जश्नां दा चढ़िया है पर जलंधर के लतीफपुरा इलाके दे विच उजाड़े गए लोगों नूं कित्थे नवा साल चंगा लगदा है। लतीफपुरा मुड़ वसेबा मोर्चे के सदे ते 1 जनवरी नूं जथेबंदियां ने जलंधर के PAP चौंक दे विच जाम ला दिता। इस कारण नैशनल हाईवे ते कई घंटियां तक वाहनां दीयां लंबीयां लाइनां लग गईयां। हालांकि पुलिस ने ट्रैफिक दे बदलवें प्रबंध कीते होए सन पर ट्रैफिक वध होण करके जाम इत्थे वड्डा हुंदा रहा। इन्हां लोकां दी कोई एक मंग है सरकार तो कि सानूं उसे थां ते वसाया जावे जिथों सानूं उजाड़िया गया है। इस तरह जीरा के पिंड मंसूरवाल कलां दे विच मालब्रॉस शराब फैक्टरी के बाहर भी लोगों का धरना उस तरह चल रहा है। करीब 6 महीने हो गए ने लोगों को इत्थे बैठे हुए पर फैक्टरी बंद होण दी किते कोई सूह नहीं मिल रही। इलाके के लोगों की तकलीफ है कि शराब फैक्टरी चों निकलण वाला गंदा पानी धरती नूं पूरी तरह दे नाल प्रदूषित कर रहा है ते इस प्रदूषण दे नाल कई लोग अपनियां जानां हुण तक गवा चुके ने, बल्कि सैकड़े ही लोग बीमार पए ने। कैंसर वर्गी बीमारी लोगों को इत्थे ज़्यादा अपनी लपेट दे विच लै रही है। इस करके फैक्टरी बंद होना ही इको एक राह है लोगों दीयां जिंदगियां बचाउण दा। हुण तुहानूं किसानां दे मोर्चियां दी तस्वीर भी दिखा दिंदे आ जिन्हां ने 1 जनवरी दे दिन भी उसे तरह पक्के मोर्चे DC दफ्तरां दे मूहरे लाई रखे अते टोल प्लाज़ियां ते भी किसान ते मजदूर डटे बैठे ने। DC दफ्तरां दे बाहर लगे मोर्चियां दे विच भी ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। मोर्चों की अगवाई कर रहे किसान लीडर ने कहा कि बेशक ईस्वी कैलेंडर के मुताबिक नवा साल शुरू हो चुका पर भारत के आम नागरिक लिए कुछ नहीं बदलिया। ओदियां मुसीबतां कहते हुण भी उही ने जो कल तक सन। किसान मजदूर का नवा साल तो उदों ही हो सकता है जदों उसनूं उहदी फसल ते मेहनत का पूरा मुल मिलेगा। लीडर ने कहा कि पंजाब के किसान मजदूर और बीबियां अत दी ठंड दे विच घरां तों बाहर धरनियां विच ट्रालियां ते तरपालां पा के रहण ते सौण नूं मजबूर ने ते सरकारां दी नलायकी ते लोक विरोधी नीतियां दी जिउंदी जागदी मिसाल है। उन्हां कहा कि लोक इन्हां दीयां नीतियां नाल सहमत नहीं ते जिन जिन्नी देर तक सरकार मोर्चे दीआं हक्की मंगां मन के लोगों के हक नहीं दिंदी उन्ना चिर संघर्षां दे पिड़ विच लोग डटे रहणगे, शांतमई संघर्ष जारी रखणगे। साफ शब्दां दे विच इन्हां मोर्चिਆਂ ते डटे लोगों ने कहा है कि लोग मौजूदा सरकार की कारगुजारी तो संतुष्ट नहीं हैं। इन्हां मोर्चिਆਂ दे नाल-नाल पिछले दिनी शुरू होया ट्रक ऑपरेटरां दा धरना भी लगातार जारी है। पिछली सरकार ने सूबे दे विच ट्रक यूनियनां भंग कर दित्तियां सन ते उन्हां नूं बहाल करन दी मंग इह अज तक कर रहे ने। शंभू बैरीयर ते जिथे पूरे पंजाब दे ट्रक ऑपरेटरां ने पक्का मोर्चा लाया होया उत्थे 1 जनवरी दे दिन पंजाब दे वख-वख ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ट्रक यूनियन के लीडर ने ट्रक यूनियन बहाल करने लिए ਵੱਖਰੇ तौर पर प्रदर्शन किए। शंभू बैरीयर से लगे इस पक्के मोर्चे के कारण आने जाने वाले राहगीरां नूं जरूर मुश्किल आ रही ने, इस करके पुलिस ने रूट भी डायवर्ट किए हुए हैं। 1 जनवरी को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों को सिर्फ नवे साल दीआं वधाइयां ही नहीं दित्तियां बल्कि साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं तिखे तेवर भी दिखाए, यानी कि अपनी सरकार की ताकत याद करवाउंदियां यह दस्सिया कि सरकार सब कुछ कर सकती है ते करूगी भी। संगरूर के मस्तूआना साहिब विखे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चन्नी का हाले सिर्फ चाह पानी का खर्चा ही देखिया, अगे तुसीं देखियो की हुंदा है। हाले कहते चाहां कचौरियां ते थालियां दे रेट निकले ने, अगे जाके होर भी रेट निकलणगे। गल भावें मुख्यमंत्री इत्थे बनने वाले मैडिकल कॉलेज की कारण पहुंचे सी पर पत्रकारां दे सवालां दा जवाब दिंदे मुख्यमंत्री मान चन्नी ते तिखी टकोर कर गए। इन्हां दे मैं किस्से खोलण लग्गिया है तां कुछ भी नहीं हैगा, तुसीं देखियो सी अगे हुंदा की है। है तां चन्नी साहिब दा सिर्फ चाह पानी का खर्चा ही देखा आप हजे, अगे देखो होंदा की है, ठीक है ना। हजे तो चाह कचोरियां थालियां दी रेट निकले ने, जिहड़े होर बड़े बड़े रेट ने वह भी निकलणगे। दरअसल आप सरकार ने साबका सीएम चन्नी के खिलाफ खाण पीण च घोटाले नूं लैके जांच वड्डी हुई है ते चन्नी इन्हां सारे इल्जामां नूं नकार भी चुके ने। 31 दसंबर की रात नूं ट्वीट करदियां होइयां चन्नी ने कहा कि पूरे साल का खर्चा मेरे खाते च दिखाया जा रहा है जबकि असीं तां लोकां नूं लंगर छकाउंदे रहे हां। पंजाब दे विच कहंदे कोई भी मुख्यमंत्री दिखाओ जिसने अपने कार्यकाल दे विच लोकां नूं सवेरे दुपहरे ते शाम मुफ्त रोटी खवाई होवे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान संत अत्तर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिस मस्तूआना साहिब विखे बन वाले कॉलेज नूं लैके SGPC ढींसा परिवार अते सुखबीर सिंह बादल ते भी वरे। इन्हां ते वड्डे इल्जाम लाउंदियां मुख्यमंत्री ने कहा कि जे इह लोग अड़िका ना लाउंदे तां अज तक कॉलेज दी इमारत पूरी हो चुकी हुंदी। मान ने रजिस्ट्री दे दस्तावेज सबूत वजों पेश करदियां कहा कि 460 करोड़ के इस प्रोजैक्ट के लिए 25 एकड़ जमीन अंगीठा साहिब गुरुद्वारे ने दान की है, जिसकी साल 2022 के 5वें महीने की 23 तरीक को कॉलेज के नाम से रजिस्ट्री भी हो गई सी ते कॉलेज के लिए होर जिहड़ियां फॉर्मैलिटी सी वो भी पूरियां कर लईआं गईआं सी। पर अचानक ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਬਣਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਸ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ SGPC ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2022 ਨੂੰ 23 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ डिपार्टमेंट ऑफ मैडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन दे नाते होगी 5/8/2022 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਇਹੀ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਮਸਤੂਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ NMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 9/8/2022 ਨੂੰ 100 MBBS ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਭੇਜ। ਇਸ ਤੋਂ SGPC ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। SGPC 23/8/2022 ਨੂੰ ਸਟੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ। ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਭੇਜਦੇ ਗਏ। हालांकि मुख्यमंत्री ने चैलेंज भी लिया कि कॉलेज तो इत्थे बन के रहूगा चाहे इहदे लई जमीन कोई होर लैनी पै जावे। ये फिक्र ना करन लोग, इस गल दा कोई फिक्र ना करन पता नहीं की हो जाऊगा। कॉलेज बनूगा संगरूर दे आले दुआले बनूगा, मैं कितों 20 एकड़ 25 एकड़ मैनूं कोई होर दे दूगा। मैं कोई इत्थे कोई माफिया नहीं पालना भी ये मेरी जमीन है जे मेरे चाचे की जमीन है जे मैं पहला खरीद के देती जिवें इन्हां ने कह करदे हुंदे सी। मैनूं तां 20-25 एकड़ कितों होर पंचायत वालों मिल जूगी पिछले दिनी अपने बूटां दी हुई चर्चा ते भी सीएम मान टकोर कर गए। इशारा खास तौर ते कांग्रेस एमएलए सुखपाल खैरा वाली लगदा सी। सलाह दिंदे कहंदे विरोधी धिर नूं मेरे बूटां अते मेरी चाल ते चर्चा करन दी बजाए आत्म मंथन करना चाहीदा है। मेरे बूट देखण दी बजाए इह देखो कि जनता ने तुहानूं क्यों नकारिया। अपना आत्म मंथन करो, क्यों लोकां ने तुहानूं अपने दिलां चों कढिया, क्यों लोकां ने तुहानूं कुर्सीआं तों लाहिया। आत्म मंथन करो, ना कि किसी ते कोई आलोचना, कोई बूट किन्ने दे ने, भगवंत मान तुरदा है क्यों है। सो इन्हां कोल कोई मुद्दा है नहीं हुण, सो ये बखलाहट है। 31 दिसंबर ते 1 जनवरी की रात नूं पंजाब पुलिस ने उन्हां लोकां नूं भी दबोचिया जिहड़े नवे साल की आड़ दे विच गलत काम कर रहे सन। गुरदासपुर दे विच जुआ खेड के नवे साल मना रहे जुआरियां ते अद्धी रात नूं पुलिस ने रेड मारी ते करीब 1.25 लाख की नकदी समेत 9 जणियां नूं गिरफ्तार किया। एक खबर सिख जगत दे नाल जुड़ी भी तुहानूं सुणा दिंदे हां। तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब प्रबंधकी कमेटी का नवा प्रधान चुन लिया गया। जगजोत सिंह सोही नूं सर्बसम्मति दे नाल नवा प्रधान चुनिया गया है, जिस तों बाद सोही ने सारे मैंबरां ते समर्थकां दे नाल तख्त साहिब विखे मत्था टेक के परमात्मा दा शुकराना कीता। विवादां दे विच घिरे होए हरियाणा दे खेड मंत्री संदीप सिंह खिलाफ दर्ज कीती गई FIR तों बाद हुण चंडीगढ़ पुलिस ने मामले दी गंभीरता नाल जांच करन दे लई 3 मैंबरी सिट दा गठन कर दित्ता है। इस सिट DSP ईस्ट पलक गोयल दी अगवाई दे विच बनाई गई है ते इस टीम दे विच पलक गोयल तों इलावा वूमेन सैल दी इंस्पैक्टर ते एक थाणे दी लेडी इंस्पैक्टर नूं भी शामिल कीता गया। उधर खेड मंत्री संदीप सिंह ने छेड़छाड़ दे दोषां तों बाद केस दर्ज होण करके अस्तीफा भी सौंप दित्ता है। संदीप सिंह ने हालांकि अपने ते लगे दोषां नूं नकारदिआं कहा कि उन्होंने झूठे केस में फसाया गया है तो जांच कमेटी की रिपोर्ट आने तक वो अपने अहुदे तो अस्तीफा दिंदे हन। उन्होंने अपना अस्तीफा CM हरियाणा नूं सौंप दिता। यह भी कहा गया कि मेरे अक्स नूं खराब करने के लिए सारा जिहड़ा माहौल है वह बनाया गया। अस्तीफा सौंपते हुए संदीप सिंह ने खेड विभाग की जूनियर कोच वालों लाए गए झूठे दोषों की डूंघाई नाल जांच करवाउण दी खुद भी मांग की। उधर संदीप सिंह खिलाफ जिनसी शोषण की शिकायत दर्ज करवाने वाली महिला कोच ने अंबाला दे विच गृह मंत्री अनिल विज दे नाल मुलाकात भी की। हुण गल करदे हां 1 जनवरी के दिन किन्हां दे घरां दे विच मातम छाया, कित्थे वड्डे हादसे वापरे। सब तो वड्डा हादसा जलंधर पठानकोट मार्ग ते अड्डा ब्यास पिंड नेड़े वापरिया, जिथे कार सवार 2 नौजवानों की मौत हो गई ते 3 नौजवान गंभीर जख्मी हो गए। सड़क हादसे दे विच इन्हां दी जान चली गई। इसी तरह अमृतसर अटारी नैशनल हाईवे ते स्थित पिंड घरिंडा दे नेड़े अटारी वल नूं जा रही तेज़ रफ्तार वरना कार ने एक ऑटो नूं पिछों टक्कर मार दी, जिस विच सवार 4 जणियां दी मौके ते ही मौत हो गई ते कई लोग गंभीर जख्मी हो गए, जिन्हां दा छेटा साहब दे निजी हस्पताल दे विच इलाज चल रिहा है। इस सारे पिंड नेष्टा दे मजदूर सन, शैलर दे विच मजदूरी करके अपने घरां नूं वापस परत रहे सन। दिल्ली दे दक्षिणी इलाके ग्रेटर कैलाश नगर 2 दे ओल्ड एज होम दे विच भी तड़कसार अग लगन कारण 2 जणियां दी मौत हो गई, जबकि 13 जणे जख्मी हो गए। यह अग दूजी अते तीसरी मंजिल ते लगी सी। फायर विभाग ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਮਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮੱਚਣ ਕਰਕੇ 9 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੰਗ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮੱਚਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੱਧ के 8.5% हो गई है, यानी कि 8.3%। CMI का कहना है कि यह पिछले 16 महीनों के बेरोजगारी का रिकॉर्ड है। पिछले महीने देश में बेरोजगारी की दर 8% सी। शहरी बेरोजगारी दर पिछले महीने 8.96% सी, जो दिसंबर में बढ़ के 10.9% हो गई। हालांकि पेंडू बेरोजगारी की दर के कमी दर्ज की गई है। पिछले महीने पेंडू बेरोजगारी दर 7.55% सी, जिड़ी कि दिसंबर च घट के 7.44% से आ गई। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने RP धीमान की सेवा मुक्ति तो बाद प्रबोध सक्सेना सूबे का नवा मुख सकत्तर नियुक्त किया है। 1990 बैच के इस अधिकारी की मुख सकत्तर वजों नियुक्ति 5 सीनियर अफसरों तो पहला कर दी गई है। यानी कि 5 नूं अणगौलियां करके इन्हां नूं तरक्की दित्ती गई है। 1 जनवरी नूं भारत ते पाकिस्तान ने अपने परमाणु स्थापनावां बारे एक दूसरे दे नाल जानकारी सांझी कीती। इह जानकारी परमाणु टिकाणियां ते हमलिआं नूं रोकण लई होए समझौते तहत दोवां मुल्कां दे विचाले सांझी कीती गई। समझौता भारत ते पाकिस्तान दे विचाले 31 दिसंबर 1988 नूं होया सी ते 27 जनवरी 1991 नूं लागू होया सी। इस समझौते दे तहत हरेक साल 1 जनवरी नूं दोवें मुल्क एक दूसरे नूं अपणीआं परमाणु स्थापनावां बारे जानकारी दिंदे ने ते सूची इस साल 32वीं वारी सांझी कीती गई है। पहली सूची 1992 दे विच सांझी कीती गई सी। इस दौरान भारत ते पाकिस्तान ने आपो अपनी हिरासत विच रखे आम कैदियां ते मछेरियां दी जानकारी भी सांझी कीती। भारत ने दस्सिया कि उन्हां दे मुल्क विच 339 आम पाकिस्तानी कैदी ने ते 95 मछेरे ने, जबकि पाकिस्तान ने दस्सिया कि पाकिस्तान दे विच 51 आम भारती कैद ने ते 654 मछेरे ने। कोरोना की गल कर लीए तां कैनेडा भी उन्हां मुल्कां दे विच शुमार हो गया जिन्हां ने मेनलैंड, चीन, हांगकांग ते मकाऊ तो आउण वाले कौमांतरी मुसाफरां दे लई कोरोना टेस्ट लाजमी कर दिता है। यानी कि जे चीन, हांगकांग ते मकाऊ तो जाण वाले लोकां ने कैनेडा जाना है तां उन्हां नूं अपनी नैगेटिव रिपोर्ट दिखाउणी लाजमी होवेगी। कैनेडा ने भी 0 कोविड नीति लागू की हुई है। सरकार ने ऐलान किया कि नवे नियम 5 जनवरी तो लागू होणगे। इस तों पहलां इंग्लैंड ने भी 5 जनवरी तो अजिहियां कोरोना पाबंदियां लाउण दा ऐलान किया होया है। भारत अते अमरीका भी चीन ते पाबंदियां ला चुके ने। ईरान तो खबर है जिथों दी अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट दित्ती है कि नवें साल तो पहलां वाली जिहड़ी शाम है उस मौके तेहरान दे विच कुछ फुटबॉल खिडारियां नूं गिरफ्तार किया गया। इन्हां दे विचों कुछ साबका फुटबॉलर ने ते कुछ मौजूदा खिडारी। दोष है कि नवें साल दी पार्टी कर रहे सन। रात नूं ये सारी घटना वापरी है, जबकि ईरान दे विच नियम है कि जिहियां पार्टियां जिथे अणविआहे मर्द अते औरतां शामिल होण ओह गैर कानूनी मन्नियां जांदियां ने। अजिहियां पार्टियां नूं ईरान दे विच समाजिक भ्रिष्टाचार दीआं उदाहरणां वजों पेश किया जांदा है। इसे करके इन्हां फुटबॉलरां नूं गिरफ्तार किया गया। उत्तरी कोरिया दे तानाशाह किम जोंग उन ने अमरीका ते दक्षिणी कोरिया दे खतरे नाल नजिठण दे लई परमाणु हथियारां दे भंडार नूं कई गुणा वधाउण दी गल कीती है। अपनी सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी नूं संबोधन करदे होए किम जोंग ने कहा कि उत्तरी कोरिया दा ध्यान वड्डे पद्धर ते रणनीतिक परमाणु हथियारां दे उत्पादन ते रहेगा। उन्हां ने परमाणु हमले दे हालातां विच तुरंत मार करन दी समर्थिक इंटरकॉन्टीनल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम दे विकास दा भी ऐलान कीता। वड्डे बोधी लीडर दलाई लामा ने वड्डा इल्जाम लाउंदियां कहा कि चीन बुद्ध धर्म नूं नष्ट करन दी, खत्म करन दी कोशिश कर रहा है, पर चीन सफल नहीं होवेगा। दलाई लामा बिहार के बोध गया के काल चक्कर मैदान च एक अध्यापन प्रोग्राम के आखिरी दिन संबोधन कर रहे सन। 31 दिसंबर नूं उन्होंने दोष लाया कि चीन बुद्ध धर्म नूं जहर मानता है। दलाई लामा ने चीन तो धर्म नूं खत्म करन ते इस नूं खत्म करन दे लई योजनाबद्ध मुहिम चलाउण दा दोष लाया। उधर चीन के रक्षा मंत्रालय ने शनिचरवार नूं कहा कि एक अमरीकी लड़ाकू जहाज ने दक्षिणी चीन सागर ते अंतर्राष्ट्रीय कानून की उलंघना की है। हालांकि घटना 10 दिन पहला वापरी दसी गई है। चीन ने कहा कि अमरीकी लड़ाकू जहाज चीन के जहाज नूं चुनौती दे रहा सी ते चीनी पायलटां दी जान नूं भी खतरे विच पा रहा सी। संयुक्त राष्ट्र महासभा दे विच भारत ने पूर्वी यरूशलम अते फलस्तीनी इलाकियां ते इजराइल दे कब्जे नाल जुड़े मसौदे दे प्रस्ताव तो अपने आप नूं वक्ख कर लिया है। ड्राफ्ट मते दे विच इजराइल दे फलस्तीनी खेतर दे लंबे समय तो कब्जे अते इस दे वक्ख होण दे कानूनी नतीजिआं ते अंतरराष्ट्रीय अदालत दी राय मंगी गई सी, पर भारत ने इस विच शामिल होण तो इनकार कर दित्ता है। ऐतवार दे एमरजेंसी बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तो इजाजत चाहुंदे हां। तुसीं सारे अपना ध्यान रखियो, लोड़वंदां दी मदद ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।